ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और आज का भी टॉपिक आयलर्स थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शन ही है। जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 था उसमें जो एडवांस क्वेश्चन है वो किए जाएंगे और आयलर्स थ्योरम पर बेस्ड ही अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। तो देखें आगे क्वेश्चन में लेते हैं, तो लास्ट अपन ने लिए थे क्वेश्चंस आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। नाउ इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना है, आयलर थ्योरम के यूज से यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई हो तो उस केस में आपको प्रूफ करना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू ऑफ टेन यू। नाउ फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे कि ये फंक्शन नहीं है और कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस फंक्शन तो है नहीं। इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए u इज इक्वल टू ऑफ क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। नाउ ये तो इनवर्स फंक्शन है तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स को अगर मैं इधर लाकर कन्वर्ट करूं तो साइन u इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। नाउ ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं कंसीडरेशन कर लेता हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये जो है न्यू फंक्शन कंसीडरेशन कर लिया और ये फंक्शन किसमें, एक्स कॉमा वाई में, इसलिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब आप यहां पर इसको चेकआउट करें, ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी पावर का समघात फलन है। तो आप जैसे ही ये रफ वर्क इधर कर रहा हूं वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स प्लस एम एक्स। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से एक्स कॉमन आएगा, एक पावर गई एक पावर बची। तो ओवरऑल एक्स की कितनी पावर बार कॉमन में आ गई, पावर वन। इसलिए ये जो फंक्शन एफ है, एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर वन, एफ एक घात का समघातीय फलन है। अब अगर एफ एक घात का समघातीय फलन है तो उस केस में इस वर्ग को हटा देते हैं, अगर एफ एक घात का समघातीय फलन है तो बताएं जरा आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो यूजिंग आयलर थ्योरम देयरफॉर बाय आयलर थ्योरम, अभी करंटली अपन किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ। एफ एक घात का है तो आयलर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ, जहां एन क्या होता है ऑर्डर, और यहां आपने करंटली कितने ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का, ओके। इसलिए वन इंटू एफ, ये तो आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहां पर अपने को ये वेरीफाई नहीं करना है, आपको इसके यूज से ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें एफ आपने बीच में कंसीडरेशन किया है, क्वेश्चन एफ में नहीं है, क्वेश्चन किसमें, यू में, और आंसर भी किसमें चाहिए, यू की टर्मिनोलॉजी में चाहिए। इसलिए एफ को कन्वर्ट करते हैं, एफ किसके इक्वल है, साइन यू। मीन्स दैट जहां जहां एफ है वहां वहां अपन लिखेंगे साइन यू। इज इक्वल टू वन इंटू एफ मीन्स दैट वन इंटू साइन यू साइन है। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन यू का डिफरेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, कॉस यू। नाउ यू की बारी आएगी तो डेल यू बाय डेल एक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक्स है यू के रेस्पेक्ट में तो यू कांस्टेंट होना चाहिए, यू कांस्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, यू के अंदर एक्स भी है और यू वाई भी है। मीन्स दैट ये जो साइन यू है सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो इसको एक्स का भी फंक्शन मानना पड़ेगा, वाई का भी फंक्शन है, दोनों का ही फंक्शन है, तो इसीलिए इस यू का डिफरेंशियल होगा एक्स के रेस्पेक्ट में क्योंकि यू के अंदर एक्स इंक्लूड है। नेक्स्ट वाई साइन यू का कॉस यू, फिर यू का क्या होगा
डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर कॉस यू कॉमन आ रहा है बाहर, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू बाई कॉस यू, मल्टीप्लाई का कॉस डिवाइड में आएगा तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टेन यू। ये आपके क्वेश्चन हो जाता है हैज को। तो फ्रेंड्स वेरिफिकेशन का क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी डबल ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। अभी इस पर बेस्ड और क्वेश्चन लेते हैं अपन। यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रे पावर 1 बाई 4 प्लस वाई रे पावर 1 बाई 4 अपॉन एक्स रे पावर 1 बाई 5 प्लस वाई रे पावर 1 बाई 5 देन यू हैव टू प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाई 20 ऑफ टेन यू। तो अगेन यहां पर होमोजीनियस फंक्शन कितने ऑर्डर का है पहले चेक करने के लिए इस साइन इनवर्स को इधर लेकर आए। तो साइन यू इज इक्वल टू एक्स रे पावर 1 बाई 4 y रेज पावर 1 बाई 4 x रेज पावर 1 बाई 5 y रेज पावर 1 बाई 5 इसको आप क्या कंसीडर करोगे f ऑफ x कॉमा y। नाउ ये f कितने ऑर्डर का है ये आइलर्स थ्योरम का जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 उसमें ये एग्जांपल आपको लेकर बताया था और उसमें ये भी आपसे कंप्लीट डिस्कस किया था कि ये कितने पावर का है 1 बाई 20 पावर का। क्यों जैसे ही आपने y इज इक्वल टू mx पुट किया तो ऊपर से तो x की पावर कितनी कॉमन आई 1 बाई 4 नीचे से x की पावर कितनी कॉमन आएगी 1 बाई 5 अंदर बचेगा 1 प्लस m रेज पावर 1 बाई 4 यहां पर। अब जब ये पावर आप ऊपर लेंगे तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 मतलब x की ओवरऑल पावर कितनी कॉमन आ जाएगी 1 बाई 20 मीन्स दैट यहां पर जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। F is homogeneous function of order 1 by 20, okay? Complete lecture 1 के अंदर ये process आप लोगों को बता रखा है। आपने नहीं देखा है आई कार्ड बटन के अंदर यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है प्लीज उससे जाकर कंप्लीट देखिएगा। अब ये अगर ऑर्डर 1 by 20 का होमोजीनियस फंक्शन है तो आइलर साहब क्या कहते हैं आइलर साहब कहते हैं x डेल f by डेल x प्लस y डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू एन एफ। एन कितना है यहाँ पर 1 बाई 20 f। नाउ अपना क्वेश्चन f में नहीं है क्वेश्चन किस में है u में तो आंसर भी किस में लेकर आना है u में तो यहाँ पर f को भी वापस से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा u में। f किसके इक्वल है साइन u। तो जहां जहां x है f है वहां वहां अपन साइन u पुट करते हैं। एक्स साइन यू का डिफरेंशियल कॉस यू फिर यू का डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई साइन यू का डिफरेंशियल कॉस यू फिर यू का डिफरेंशियल डेल यू बाय डेल वाई 1 बाय 20 साइन यू। कॉस यू कॉमन ले लीजिए नेक्स्ट स्टेप में कॉस यू मल्टीप्लीकेशन में है यहां पर आप डिवाइड में रखेंगे तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाई 20 ऑफ साइन यू बाई कॉस यू दैट मीन्स 1 बाई 20 ऑफ टेन यू हैज प्रूव द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट इसी टाइप से ये क्वेश्चन है यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स को आप लेफ्ट साइड के अंदर भेजेंगे फिर चेकआउट करेंगे या क्लियर कट आपको नजर आ रहा है ये 1 बाई 2 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि ऊपर x की पावर 1 नीचे रूट का मतलब है x की पावर हाफ 1 माइनस हाफ हाफ और हाफ आएगा तो यहाँ पर भी वैल्यू हाफ आएगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एज असाइनमेंट आप लोग कीजिएगा या आप लोगों से होता है या नहीं प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं u is equals to log of x raised power 4 plus y raised power 4 upon x plus y then you have to prove that x del u by del x plus y del u by del y is equals to 3। okay तो यहां पर भी log हटाएंगे
क्योंकि अभी तक ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो जैसे ही एक साइड से लॉग रिमूव करते हैं, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, ई रेज पावर हो जाएगा, इसको कहेंगे एंटी लॉग लेना। तो एंटी लॉग लेना इसका मीनिंग लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ई रेज पावर यू, इधर से लॉग रिमूव हो गया, एक्स रेज पावर फोर प्लस वाई रेज पावर फोर बाय एक्स प्लस वाई, इसको क्या कंसिडर कर लूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स वाई। नाउ ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, कितने घात का समघात फलन है, इसको चेकआउट करने के लिए लॉग वर्क कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दीजिए, तो x की पावर 4 प्लस m रेज पावर 4 x रेज पावर 4 x प्लस एम एक्स, ऊपर से न्यूमरेटर से कितना कॉमन आएगा, x रेज पावर 4 1 प्लस m रेज पावर 4 अपॉन में से कॉमन आया x 1 प्लस m, एक पावर गई बार कितना बचा x क्यूब, यानी यहां जो f है वो थर्ड ऑर्डर का है, और यहां से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं x की पावर कितनी है 4, y x की पावर कितनी है 1, 4 माइनस 1 3 पावर का होगा, वह शर्त है न्यूमरेटर की सारी पावर सेम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की सारी पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो f इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3, f तीन घात का समघात फलन है, ओके फ्रेंड्स। अब तीन घात का समघात फलन है तो बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम के यूज से आप लोग क्या लिख सकते हैं, x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल y इज इक्वल टू एन एफ, एन कितना है 3 और ये f। अगेन सिंस क्वेश्चन आपका u में है तो आंसर भी u के फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए इस फंक्शन f को कन्वर्ट करते हैं u के अंदर, f इज इक्वल टू इरेज पावर u। तो जहां जहां f है वहां वहां इरेज पावर u पुट करते हैं, इरेज पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इरेज पावर u फिर u का डेल u बाय डेल x, यहां x कीजिए प्लस y, इरेज पावर u का डिफरेंशियल इरेज पावर u फिर u का डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 3 इरेज पावर u, इरेज पावर u कॉमन x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 3 इरेज पावर u, ये दोनों तरफ से कट हो गया, रिमेनिंग पार्ट रहता है x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 3, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर आज हम लोगों ने आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन का जो एडवांस लेवल था, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस वो किए, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आयलर थ्योरम पर ही बेस्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस किए जाएंगे। फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इन योर कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू, धन्यवाद।